नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत जल्द ही शीघ्र ही आप सबकी परीक्षाएं आने वाली हैं, जुलाई में इसकी डेट निर्धारित कर दी गई है। आज हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षा से रिलेटेड कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं, हाउ टू मेक अ स्ट्रेटेजी टू सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स। यानी हम आज डिस्कस करेंगे कि किसी बोर्ड परीक्षा में या कंपटीशन की परीक्षा में सफल होने के लिए हमें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, जिससे कि हम उसमें अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए अक्सर आपने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नॉलेज विषय की बहुत होती है, लेकिन आप परीक्षा में नंबर्स अच्छे नहीं ला पाते। तो आज के इस सेशन के माध्यम से मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी पे डिस्कस करूंगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स आप परीक्षा में ला सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर मैं परीक्षा की तैयारी करूँगा तो मेरी परिस्थितियाँ, मेरी सिचुएशन, मेरी जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी परिस्थिति भिन्न होगी, आपकी परिस्थिति भिन्न होगी। किस तरह की परीक्षा हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी, परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी, उस परीक्षा के अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। लेकिन हर एक परीक्षा को देने के लिए कुछ स्ट्रेटजी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिस पे कि विशेष ध्यान देना होता है, और वो सभी को देना होगा, आपको भी मुझे भी। तो मैं आज उसी कॉमन स्ट्रेटजी की बात करूँगा जो सभी पर लागू होती है और सभी के लिए आवश्यक है। तो हाउ टू मेक अ स्ट्रेटजी टू सक्सीड इन एग्जाम। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें जो टिप्स होती है, स्टेप वन जो होता है, दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहला, अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो ये होता है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहला जो स्टेप है वो बिलीव इन योर सेल्फ है, देन स्टेप टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। उसके पश्चात आपको, जब आप अपने आप को एक तरफ से प्रिपेयर कर लेते हो, आपको विश्वास हो जाता है कि यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन, आपको इस परीक्षा के को देना है और इस दिशा में जाना है, आपको अपने आप पर विश्वास होता है, आप आगे बढ़ते हैं, देन गेट ऑर्गेनाइज्ड। फिर उस परीक्षा में सफलता के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है, यानी जो भी कार्य उसके लिए करना है आपको, वो आप प्रॉपर जो भी उससे रिलेटेड काम है वो करते हैं। हम सभी पॉइंटों पे बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप टू है गेट ऑर्गेनाइज्ड, यानी पहले बिलीव इन योर सेल्फ, सेकेंड गेट ऑर्गेनाइज्ड, देन स्टेप थ्री में मैनेज योर टाइम। जब आप ऑर्गेनाइज्ड हो गए, देन यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, सभी की रिक्वायरमेंट, सभी की इच्छाएँ डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो आपको उसी 24 घंटे में ही अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है और टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आप अपने जो भी उद्देश्य है आपका उसके लिए सफिशियंट समय निकाल पाएँ। स्टेप फोर, स्टडी स्मार्ट, यानी आपको जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसकी तैयारी स्मार्टली करनी है। कभी कभी स्टूडेंट मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको सफलता उतनी नहीं मिलती जितनी उन्होंने मेहनत की है, यानी वो बहुत अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मार्क्स जब देखते हैं तो 55-60%, 65%। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट देता है, वो यानी कि स्मार्टली स्टडी करता है, वो स्मार्ट स्टडी करता है। तो स्मार्ट स्टडी पर भी हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं। तो देन यू विल गेट द आइडिया अबाउट दी स्मार्ट स्टडी। देन स्टेप फाइव, एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो उस समय आपको क्या ध्यान देना है। तो ये 5 टिप्स हैं, अगर इन 5 टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं और इन टिप्स के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट दी गुड मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन। सो स्टेप वन, बिलीव इन योर सेल्फ, गेट ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज योर टाइम, स्मार्ट स्टडी एंड एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, कि किस तरह से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो पहला पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं हाउ टू सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए, चाहे वो बोर्ड का किसी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमें क्या आवश्यकता होती है, कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। तो
बेसिकली परीक्षा की तैयारी के लिए हमने तीन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दिया है। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए आपके पास तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, गुड सब्जेक्ट नॉलेज। जिस विषय की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जिस विषय का कॉम्पिटिशन आप देने जा रहे हैं, उस विषय की नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यू हैव टू अ गुड सब्जेक्ट नॉलेज। सेकेंड, एबिलिटी टू मेमोराइज। आपको नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ आपकी मेमोरी भी शार्प होनी चाहिए। आपको मेमोरी को शार्प करने के लिए जो भी हेल्दी फूड है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो सब करें। तो एबिलिटी टू मेमोराइज यानी चीज़ों को याद करने की आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, कैसी एबिलिटी है, दैट इज़ सेकेंड पॉइंट किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। और थर्ड पॉइंट है दैट इज़ स्ट्रेटेजी, कि किसी भी परीक्षा की को जब आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज है, यू हैव द एबिलिटी टू मेमोराइज, देन यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी। तीसरा जो पॉइंट है कि आपको उस परीक्षा की फिर एक रणनीति बनानी पड़ेगी, कैसे आप उसमें सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आता है सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। अगर हमें बोर्ड एग्जाम में सक्सेस होना है तो हमें इन तीन चीज़ों में से किसकी विशेष ज़रूरत होगी तो हम देखें। तो बोर्ड एग्जाम में सक्सेस होने के लिए यू हैव ओनली टू थिंग्स, सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट नॉलेज एंड एबिलिटी टू मेमोराइज। ये दो चीज़ों का अगर आप विशेष ध्यान रख लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लें, तो स्ट्रेटेजी अगर आपकी थोड़ी कम भी है तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। तो सक्सेस, अगर बोर्ड एग्जाम में सक्सेस होना है तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए और एबिलिटी टू मेमोराइज होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सक्सेस इन कॉम्पिटिशन, किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होना है, सफल होना है, तो उसके लिए आपको एक प्रभावी स्ट्रेटेजी की भी आवश्यकता होती है, एक रणनीति भी बनानी होती है। उसके अकॉर्डिंग तब रणनीति आप बनाते हैं, एक सफल रणनीति बनाते हैं, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, गुड सब्जेक्ट नॉलेज, एबिलिटी टू मेमोराइज एंड स्ट्रेटेजी। तो इनमें से अगर बोर्ड एग्जाम देना है तो सब्जेक्ट नॉलेज और एबिलिटी टू मेमोराइज, अगर आप इन दो का फॉलो करते हैं तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपको स्ट्रेटेजी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो आज के सेशन में हम बेसिकली बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। इस कंपटीशन एग्जाम पे हम अगले किसी सेशन में फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी बोर्ड परीक्षा में सक्सेस होना है तो सब्जेक्ट की नॉलेज कैसे आप कर सकते हैं, और एबिलिटी टू मेमोराइज, मेमोरी, किसी चीज़ को याद रखने की मेमोरी आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको ध्यान दे देना है। अब हम वो पांच टिप्स जो हमने डिस्कस किए थे, हम वन बाय वन हर एक टिप्स पर डिस्कस करेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने आप में विश्वास आएगा कैसे, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप जा रहे हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड का एग्जाम है, तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि येस आई कैन डू इट। आपके दिमाग में अगर ये आ गया कि मैं पता नहीं इसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो वो फिर वो आप उसमें सफलता के चांसेस आपके कम होते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको एक विश्वास लाना पड़ेगा, येस यू कैन डू इट। फर्स्टली स्टार्ट योर वर्क विद पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको अगर अपने आप में विश्वास लाना है, तो विश्वास, अपने आप में विश्वास रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज़ दी पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, कि जो भी कुछ है आपको पॉजिटिव सोचना है। कि अगर किसी परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं तो यू हैव टू हैव डिसाइड दैट यू हैव दी पॉजिटिव थिंकिंग दैट यू हैव, यू कैन डू इट और डेफिनेटली यू विल डू इट। तो पहला जो है वो दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली, आपको अपने आप पर विश्वास होगा। दूसरा है सेकंड, कम्प्लीटली फिनिश योर सिलेबस एंड रिवाइज इट एटलीस्ट वंस। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस बोर्ड एग्जाम को आप देना चाह रहे हैं, जब आपने डिसाइड कर लिया, पॉजिटिव थिंकिंग भी आपके पास, आपको पता भी है यू विल सक्सेड इट, देन आप फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए और अपने सिलेबस को कम्प्लीटली रिवाइज कीजिए और कम्प्लीटली सिलेबस को फिनिश कीजिए, देन कम से कम एक बार उसे रिवाइज भी ज़रूर करें। जैसे कि दोस्तों अभी आपकी क्लासें नहीं चल रही हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, तो सभी हमारे साथी जो है ऑनलाइन के माध्यम से लेक्चर रिकॉर्ड्स करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्लास में दिया गया लेक्चर अगर आप क्लास मिस कर देते हैं या किसी वजह से आपको क्लास में आया और आप उसे उस समय पर तैयारी नहीं कर पाए, तो आप उसे दोबारा से रिवाइज नहीं कर सकते, वो लेक्चर को दोबारा से रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इसका ये एडवांटेज है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार उस लेक्चर को देख सकते हैं, तो दोबारा से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ लेक्चर में आपको बताई गई हैं, जो आप नोट नहीं कर पाते थे क्लास के अंदर, वो समस्या आपको यहाँ नहीं आने वाली है। आप लेक्चर को बार बार देख सकते हैं
तो लेक्चर को, तो एटलीस्ट जितने भी लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं उन सब्जेक्ट के, उन्हें एटलीस्ट ध्यान से पूरे लेक्चर को, सभी लेक्चरों को आप वन बाय वन उनको एक बार कंप्लीटली फिनिश करें और एटलीस्ट एक बार उसे रिवाइज अवश्य करें। ये दो काम अगर आप कर लेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली एग्जाम के प्रति एक विश्वास आने लगेगा। जो एक एग्जाम का फोबिया होता है, जो एग्जाम का डर होता है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। सेकंड जो टिप्स है दैट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज में क्या है, कैसे आप ऑर्गेनाइज होंगे? तो फर्स्टली मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ, यानी मानसिक रूप से आपको अपने आप को पहले तो तैयार करना है किसी भी कार्य को करने जाने के लिए। देन प्रिपेयर योर स्टडी प्रिपरेशन प्लान अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड देयर वेटेज। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए जब आपके पास बहुत सारे विषय होते हैं, किसी कोई विषय आपका बहुत फेवरेट होता है, किसी सब्जेक्ट में आप अपने आप को बहुत वीक महसूस करते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान, यू हैव टू प्रिपरेशन योर प्लान कि कौन से विषय को आपको कितना समय देना है, सब्जेक्ट की वेटेज क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और किसकी वेटेज कितनी है। अगर एग्जाम परीक्षा में भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी वेटेज अगर ज़्यादा होती है तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आपको प्रिपेयर योर स्टडी एंड प्रिपरेशन प्लान प्लान बनाएं और अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट और उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी स्टडी को। तो गेट ऑर्गेनाइज इज अस नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज अ मैनेज योर टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें टाइम को भी मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हमें अपने डेली रूटीन लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें पर डे करने होते हैं, तो हमें उनके लिए भी समय निकालना है और अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। तो मैनेज टाइम का कैसे करेंगे, टाइम का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? दी अलॉट दी टाइम टू योर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। सबसे पहले तो दिन प्रतिदिन में आप जो भी कार्य करते हैं या जो करना चाहते हैं उसे हर एक काम को आप एक टाइम अलॉट करें कि किस काम के लिए आपको कितना समय देना है। जब तक आप अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे में नहीं रखेंगे तब तक सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं। सफलता आपको अगर मेहनत से लेनी है, बाई लक अगर कभी कभी मिलती है तो उसमें हो सकता है ऐसा, बट अगर मेहनत से सफलता, और मेहनत से ही मिलती है, लक बहुत कम लोगों का साथ में ऐसा होता है, बट आप अपनी मेहनत से अपने लक को बदल भी सकते हैं। तो हर एक एक्टिविटीज़ के लिए, दिन प्रतिदिन की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए यू हैव टू अलॉट दी टाइम। जैसे क्या क्या होती है, डेली रूटीन वर्क्स होता है आपकी दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ में क्या है, डेली रूटीन वर्क्स हैं जो दिन प्रतिदिन आप करते हैं, वो आपको उनके लिए एक टाइम अलॉट करना है कि सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वेकअप करने के बाद, जागने के बाद आप क्या क्या काम करते हैं, उन सब के लिए कितना समय आपको चाहिए। हेल्थ के में हेल्थ देन पहले आपने डेली रूटीन एक्टिविटी करी जो हम दिन प्रतिदिन दिनचर्या में करते हैं। दूसरे नंबर पे हम हेल्थ से रिलेटेड करेंगे, उसमें आप योगा कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के लिए अगर कुछ समय नहीं देंगे तो ब्रेन भी आपका उतना हेल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग वास करता है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो अगर आपको स्टडी करनी है, अच्छी स्टडी करनी है, तो आपके आपके शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज और योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आप अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा कर सकते हैं, योगा के द्वारा आप इंटरनल जो फिटनेस है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रांग किया जाता है। एक्सरसाइज के द्वारा जो आप जिम से अंदर जाके करते हैं उसके अंदर जनरली आप बॉडी की आउटलुक्स पर ध्यान देते हैं कि बॉडी की जो लुकिंग है वो अच्छी हो, आउटलुक्स पर ध्यान देते हैं, तो एक्सरसाइज के द्वारा वो कर सकते हैं आप। देन योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर योगा करते हैं तो आप इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि किसी को दिखाई नहीं देते बट दे शुड बी स्ट्रांग, तो उसे स्ट्रांग बनाने के लिए आप योगा कर सकते हैं। योगा से आपकी इंटरनल बॉडी स्ट्रांग होगी, ब्रेन स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी। देन तो ये सेकंड आप जरूर टाइम दें योगा और एक्सरसाइज के लिए। थर्ड स्टडी, देन आप अपने स्टडी के लिए टाइम दें कि प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको कितना कितना समय देना है प्रतिदिन, वो आप डिसाइड करेंगे। देन हॉबी, हॉबी में आपके हॉबी में स्पोर्ट्स हो सकते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, उसके लिए भी समय दें। तो इस तरह से आपको पूरे दिन के टाइम को आपको मैनेज करना है, डेली रूटीन वर्क भी करने हैं, हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड भी आपको समय अपने आप को देना है, स्टडी के लिए भी समय देना है, और हॉबी गेम्स हैं जो भी आप पसंद करते हैं उस गेम्स के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई, जैसे बैडमिंटन है, जो गेम्स ऐसे हैं आधे घंटे की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है, अगर आधे घंटे आप बैडमिंटन खेल जाए तो अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग है, तो ये आप एक हॉबी के अकॉर्डिंग आप स्पोर्ट्स चूज करके उसके लिए भी दिन प्रतिदिन आप समय दें।
यू हैव टू प्लान दैट हाउ मच टाइम यू नीड टू अलॉट पर्टिकुलर एक्टिविटीज. अब एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव टू पर्टिकुलर एक्टिविटीज. ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ को आपको कितना समय देना है. देन जो हमारा नेक्स्ट जो टिप्स थी, फोर्थ स्टडी स्मार्ट एंड फिफ्थ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, कि स्टडी स्मार्ट कैसे करें. यानी हमें पता है कि अब हमें अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो स्टडी स्मार्ट हो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है गेम में एग्जाम में ला सकें. तो उसके लिए फर्स्टली कंप्लीट फिनिश योर सिलेबस एंड रिवाइज इट एटलीस्ट वन. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी बताया था, ये तो आपको करना ही है. स्मार्ट स्टडी स्मार्ट करने के लिए, चाहे वो स्टडी आप स्मार्ट करें या बिना स्मार्ट के करें, ये काम तो सभी को करना ही है. स्मार्ट स्टडी वाले को भी ये करना है और जो स्मार्ट स्टडी नहीं करते वो भी ये करते हैं. तो पहले आपको सिलेबस को तो कम्प्लीटली फिनिश करना ही है और एटलीस्ट एक बार वो सिलेबस रिवाइज अवश्य कर लें उसको. ये दो काम, एक सिलेबस को दो टाइम आपको देना है, तो ये दोनों काम जरूर किया जाए. उसके बाद क्या है, अब आप स्मार्ट स्टडी में क्या कर सकते हैं. सब स्मार्ट स्टडी में सबसे पहले तो होता है लिसन एक्टिवली. जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेबोरियस होते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो क्लास के अंदर कॉन्सनट्रेट होके बहुत केयरफुली लेक्चर को सुनते हैं. और जो बच्चे थोड़े नोटी टाइप के होते हैं वो उतना ध्यान नहीं देते, वो शारीरिक रूप से वहाँ बैठे होते हैं लेकिन मानसिक रूप से वो बाहर होते हैं क्लास से. तो उन वो आपको उस तरह नहीं करना, यू हैव टू लिसन एक्टिवली. अगर आप क्लास में हैं तो आपका फोकस क्लास के अंदर होना चाहिए, आपके फैकल्टी जो भी सर पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर होना चाहिए, जिससे कि वो क्या बता रहे हैं आप केयरफुली उसको सुने, कोई चीज़ आप मिस ना कर पाएँ. यानी फिजिकली और मेंटली बोथ डायमेंशंस में आपको प्रेजेंट रहना है. अब क्योंकि आपकी क्लास तो नहीं चल रही है आपकी, लेकिन लेक्चर्स आपके पास हैं, तो हर एक लेक्चर को आप लिसन एक्टिवली, हर एक लेक्चर को देखें और ध्यान से देखें उसको, एक एक बारीकी को उसकी जो देखें. तो लिसन एक्टिवली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी. देन प्रिपेयर नोट्स. जब आप लेक्चर देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके साथ में बैठें और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उसमें लग रही है लेक्चर के अंदर, वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं साथ साथ. वो आपके नोट्स जो हैं वो आपकी अपनी भाषा में होते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो प्रिपेयर नोट्स. तो साथ साथ सुनने के साथ साथ लेक्चर में आप कॉपी पेन लेके बैठें और नोट्स करते जाएं साथ में. आपने देखा होगा, आप क्लास में जब देखते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेके सर जब पढ़ा रहे होते हैं तो नोट्स करते रहते हैं चीज़ों को. दे हैव द गुड हैबिट. अगर आप नोट्स बनाते हैं, एक अच्छी आदत होती है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है. कैसे होगी ये भी मैं बताऊँगा आपको. वीडियो को अंत तक देखें, डेफिनेटली यू विल गेट दी गुड रिजल्ट्स इन योर एग्जाम्स इफ़ यू फॉलो दिस. देन स्टडी सिलेबस. तो लिसन एक्टिवली, जब आपने क्लास में या वीडियो लेक्चर के माध्यम से लेक्चर को अटेंड कर लिया और जो सर ने लेक्चर में बताया, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जो अक्सर आपको बुक्स में नहीं में एक्सप्लेन होती उस तरीके से, उनको आपने नोट कर लिया. उसके बाद स्टडी सिलेबस, फिर आपने बुक को उठाया और फिर आपने उसको एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट किया. देन इस दौरान जब आप लिसन एक्टिवली, प्रिपेयर नोट्स, स्टडी सिलेबस, ये तीनों चीज़ आप कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपको अपने टाइम को भी मैनेज करना है. मैनेज टाइम, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जैसे लेक्चर देख रहे हैं, कितना समय आपको लेक्चर देखने के लिए चाहिए. अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 10 मिनट का लेक्चर मान लीजिए आपको पर डे मिल रहा है, तो 10 मिनट्स मिले 50 मिनट्स तो आपको टाइम लेक्चर केवल अटेंड करने में देना है. और वो 50 मिनट्स के दौरान आप अपने नोट्स भी बना लेते हैं. सपोज़ नोट्स बनाने के दौरान आप अगर वीडियो को पॉज कर देते हो, तो हम 50% टाइम और एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 1 आवर 50 मिनट्स टाइम आपको केवल उन सिलेबस को करने में लग रहा है. एक आपको वीडियो लेक्चर से जो बहुत बड़ी एडवांटेज हो रही है वो ये है कि 10 मिनट के लेक्चर में आपको कम से कम 2 घंटे का लेक्चर प्राप्त हो जाता है. जब क्लास के अंदर जब हम ये लेक्चर देते हैं तो हमें इतने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि वहाँ पर हमें बोर्ड पर चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं, उसमें समय लगता है. तो लगभग 30-40% ही हम इफेक्टिवली वहाँ स्पीच देते हैं, बाकी टाइम हमारा हमारे बोर्ड पर नोट करने पर और आपको बोर्ड से आपके नोट करने पर टाइम लगता है, वो टाइम सारा यहाँ पर बच जाता है. तो यहाँ पर 10 मिनट का लेक्चर मीन्स लगभग आपने 2 घंटे का लेक्चर अटेंड कर लिया, तो आपने यहाँ पर 10 मिनट में जो आप क्लास के अंदर 2 घंटे में करते वो 10 मिनट में आपको यहाँ मिल गया, तो आपने लगभग मतलब ये मान लीजिए कि 110 मिनट आपने सेव कर लिया, उसको आप किसी और काम में लगा सकते हैं.
तो दिस इज दी टाइम मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम मैनेज करना है आपको, किसको कितना समय देना है। देन प्रिपरेशन फॉर टेस्ट, जब आपने सिलेबस को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया एक बार रिवाइज भी कर लिया, देन आप स्वयं ही अपना एक टेस्ट लीजिए। तो प्रिपरेशन फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए तैयार रहें। टेस्ट हो सकता है कोई फैकल्टी आपका टेस्ट ले, अगर फैकल्टी टेस्ट जैसे अब लॉकडाउन है तो टेस्ट नहीं हो पा रहे, तो आप खुद से अपना टेस्ट लें, कोई क्वेश्चन पेपर उठा लें, उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। देन उसको फिर आप बुक से अपने नोट से मैच करें कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है। टेस्ट करने से आपको ये पता लग जाता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। कभी कभी हमको क्वेश्चन या सिलेबस को पढ़ने से ये लगता है कि ये तो हम कर लेंगे, पढ़ते हैं तो लगता है हम कर लेंगे, जब लेकिन जब एग्जाम में करने बैठते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मिसिंग हो जाती हैं, स्किप कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम पूरा क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते, तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, आपकी वीकनेस पता लग जाती हैं। तो प्रिपेयर फॉर टेस्ट, देन टेक ऑब्लिक गिव टेस्ट, यानी कि फिर आप टेस्ट या तो फैकल्टी आपकी टेस्ट लेगी या आप खुद से अपना टेस्ट ले लें, और टेक एंड गिव टेस्ट। अब टेस्ट देने में एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप टेस्ट देंगे तो या तो आपने फैकल्टी कोई सर को टेस्ट दिया या आपने खुद से अपना टेस्ट दिया, हो सकता है उसमें आपकी परफॉर्मेंस आप जो एक्सपेक्ट करते थे उतनी अच्छी ना हो, तो उस समय पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी सारी मेहनत करते हैं और इतने अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं लेकिन मार्क्स हमारे नहीं आ पाते, तो हमें माइंड में एक स्ट्रेस हो जाता है, ये कैसे हो गया। तो आपको मैनेज करना है स्ट्रेस को भी, अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस लेना नहीं है आपको। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट योर वीकनेस, कि एग्ज़ाम में आपने क्या गलतियाँ करी, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर विशेष ध्यान दें, तो उस समय आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। इसे कहते हैं मैनेज स्ट्रेस, कि आपको स्ट्रेस लेना नहीं, उसे मैनेज करना है। देन एनालाइज्ड एंड रिटर्न टेस्ट, फिर दोबारा से आप जब एनालाइज करेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने इस टेस्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की। डेरिवेशन में आपने क्या स्किप किया, थियरी में आपने क्या स्किप किया, डायग्राम में आपने बहुत अच्छा नहीं बनाया, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, तो उसे एनालाइज करें और फिर दोबारा से अपना एक बार टेस्ट लें। तो रिटर्न टू दी टेस्ट, अवे अगेन प्रिपरेशन फॉर टेस्ट, दोबारा से प्रिपरेशन करें आप, फिर दोबारा से टेस्ट लें, और ये जब तक आपको करना है जब तक कि आप अपने टेस्ट को फाइन नहीं कर लेते। तो ये एक प्रोसेस होती है जिससे आप अपने आप को रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम कोई एरर कर रहे हैं, कोई गलती करते हैं, तो हम अपने आप को सही कर लेते हैं इसके माध्यम से। तो दिस इज़ अ स्टडी स्मार्ट, अगर ऐसे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ये तो था आपका एग्जाम से जब से पहले और जब सेमेस्टर में पूरे में जब आप कोर्स को पढ़ रहे होते हैं उस समय आपको क्या करना है। अब बात आती है वेन एवर यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे कि अब 15 दिन 20 दिन महीने भर के बाद आपको एग्जाम देना, दैट मीन्स यू आर जस्ट क्लोजर टू दी एग्जाम, तब हमें क्या करना है। तो उसके लिए जनरली मैं तीन चीज़ें आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट, मेक मेगा नोट्स एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन स्टडी। पहले तो आप जिस समय आप सेमेस्टर के स्टार्ट में जब तैयारी करते हैं, चाहे क्लास के माध्यम से कर रहे हो या आजकल आप ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, जिस समय आप लेक्चर को देख रहे होते हैं पूरा लेक्चर, तो उस समय कॉपी और नोटबुक और पेन लेके बैठें, मैंने अभी जैसे बताया, और साथ साथ आप उसमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के नोट्स बनाएं, और नोट्स में भी आपको मेगा नोट्स बनाना है, यानी डिटेल्ड बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टू दैट, जो आपको सर बता रहे हैं जो बुक में लिखा है वो आपके नोट्स में क्या डिफरेंस होगा, ऑल दी थिंग्स विच इज़ एक्सप्लेन इन दी बुक्स एंड एक्सप्लेन बाई द फैकल्टीज, यू हैव जस्ट कन्वर्ट इट इन टू योर लैंग्वेज, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया है, इतना फ़र्क है बस उसमें। तो आपको एक मेगा नोट्स तैयार करना है उसमें। सेकेंड, इट विल कवर दी डिटेल्ड टॉपिक्स इन योर ओन लैंग्वेज, तो जो आप मेगा नोट्स बनाएंगे वो सारे टॉपिक्स उसके अंदर होगा, साला सिलेबस होगा और डिटेल्ड में उनका एक्सप्लेनेशन होगा। सपोज मैंने कहा व्हाट इज़ दी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन पर अगर बात करें तो आपने मॉड्यूलेशन के पूरे नोट्स बना रखे हैं, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना, सब कुछ बना रखा, ईच एंड एवरीथिंग, तो ये कंप्लीट कवर करेगा। सेकेंड जो है, मेक मिनी नोट्स बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम, जब आप 15 से 20 दिन पहले जब तैयारी करेंगे तो आपको मिनी नोट्स बनाने हैं। अब क्या करना है, अब आपने जो मेगा नोट्स बनाए हैं उनको तो आपने पढ़ लिया पूरा, अब आपको उनको सॉर्ट करना है, आपको उनमें से रिफाइन करके वो चीज़ें निकालनी है जिनको आपको भूलने का ज़्यादा चांस रहता है, जिसे आप
थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे आपने मॉड्यूलेशन के बारे में बताया, तो मॉड्यूलेशन में अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप आगे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन से ही। तो इस तरह से देन यू हैव टू मेक अ ब्रीफ नोट्स, मिनी नोट्स जिसे हम ब्रीफ नोट कहते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इट विल कवर द टॉपिक्स इन ब्रीफ इन योर ओन लैंग्वेज। इसमें जो टॉपिक कवर होगा वो ब्रीफ में होगा, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, जिससे कि आप उस थोड़े से फिगर को, उस थोड़े से कंटेंट को देख के आपको वो पूरा याद आ जाएगा जो आपने मेगा नोट्स में तैयार किया। तो उस समय पर आप मिनी नोट्स तैयार करेंगे। तीसरा जो है, दिस इज मेक माइक्रो नोट्स बिफोर वन और टू डेज ऑफ एग्जाम। हमने ड्यूरिंग दी सेमेस्टर एग्जाम मेगा नोट्स बनाए, एग्जाम से 15 दिन पहले उन मेगा नोट्स को हमने मिनी नोट्स में कन्वर्ट किया। अब जब हम कल एग्जाम सपोज हमारा है और आज मैं तैयारी कर रहा हूँ, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, तो उस समय मुझे माइक्रो नोट्स बनाने हैं, यानी इट इज़ वेरी शॉर्टेस्ट नोट्स। जैसे कि अब अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे चीटिंग करते हैं तो वो बहुत छोटी सी पर्ची पे बहुत बड़ी चीज़ लिख ले जाते हैं, यानी बहुत छोटा छोटा लिखेंगे और उस तरह से, तो वो तो वो पूरा कॉपी कर लेते हैं उसको। यू हैव टू मेक सच टाइप ऑफ नोट्स वेरी स्मार्टली। आपको अपने एक पेपर पे A4 साइज का पेपर लीजिए और एक सब्जेक्ट के, मैं समझता हूँ इस A4 पेपर पे बस आपके पास वो 2-sided है, तो 2-sided पेपर में पूरा सिलेबस आपका होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने, दैट विल कॉल्ड माइक्रो नोट्स। उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपको मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन को पहले आपने मेगा नोट्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, वॉट एवर सब कुछ, देन मेगा नोट्स के अंदर आपने मॉड्यूलेशन की केवल डेफिनेशन रखी और कुछ उसका डायग्राम सा थोड़ा बहुत उसे शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट कर लिया। अब जब मैं आज तैयार कर रहा हूँ, मैंने रिवाइज तो सारा किया है, पढ़ा सारा है पूरा मॉड्यूलेशन डिटेल में मेगा नोट से, लेकिन मैंने क्या किया, उस एक पेज पर मैंने मॉड्यूलेशन की एक शॉर्ट नोट्स बनाया। मॉड्यूलेशन में मैंने लिखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो मैंने उसमें कह दिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर एम्पलीट्यूड चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बस इतना लिखा मैंने, कैरियर एम्पलीट्यूड चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेटिंग अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेटिंग वेव के अनुसार कैरियर के एम्पलीट्यूड में परिवर्तन, बस इतना लिखना है आपको। अब इससे पूरा मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको समझ में आया। और क्या कर सकते हैं आप मॉड्यूलेशन की AC1+KAMT cos2πfct वाली एक्वेशन लिख सकते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं, इट्स अ मिनी नोट्स। तो आपको क्या है, करेक्टरिस्टिक का ध्यान रखना, करेक्टरिस्टिक वर्ड आते ही आपके पास में तीनों चीज़ याद आ जाएंगी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, इस तरह से। तो मिनी नोट्स में आपको बहुत शॉर्ट लिखना है, आपका पूरा सिलेबस एक A4 साइज सीट के अंदर बोथ साइड से मैं कवर करके आ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा बनाने में सक्षम हो जाते हैं, ये केवल एक एक्सपीरियंस से आता है, इट्स नॉट एनी शॉर्टकट कि मैं आपको बता दूं और आप उसे बना लें। व्हेनेवर यू डू द प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे फॉर मेकिंग अ नोट्स, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाट यू हैव टू मेक द माइक्रो नोट्स और मिनी नोट्स कैसे बनाना है। तो उस समय आप बनाएंगे, उसका एडवांटेज क्या होता है माइक्रो नोट्स का, कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो उस पेपर को आप साथ ले जाते हैं और एग्जाम से 5 मिनट्स पहले तक भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। जनरली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने आधा घंटे एक घंटे पहले अगर याद करिए तो याद रहती है, लेकिन आधा घंटे एक घंटे बाद वो स्किप कर जाते हैं, आप माइंड से स्किप हो जाती हैं, वो केवल आपके 10 या 15 मिनट ही आपके माइंड में रहती हैं। तो ऐसी चीज़ों को ही आपको मिनी नोट्स में, माइक्रो नोट्स में डालना है, जिन्हें कि आप एग्जाम से 10 मिनट पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं एक पेपर पर सारा कुछ मेरा शॉर्ट नोट्स होता था, मिनी नोट्स, माइक्रो नोट्स होता था, और मेरे माइक्रो नोट्स की इतनी डिमांड रहती थी, जो मेरे फ्रेंड्स होते थे वो सब कहते यार 5 मिनट के लिए बस दे, 2 मिनट के लिए बस मुझे पढ़ने दे। 2 मिनट में अगर आप पूरा पेपर रीड कर लेंगे तो डेफिनेटली पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द माइक्रो नोट्स। तो इट विल कवर वेरी शॉर्ट नोट्स ऑन द टॉपिक्स, इसे वेरी शॉर्ट, ये एक मतलब अलग तरह की क्वालिटी है इसे बनाना। इट्स नॉट इजी टास्क, बट इफ यू विल डू द प्रैक्टिस देन डेफिनेटली यू विल एबल टू मेक दीज सच टाइप ऑफ नोट्स। तो देन तो आपको विशेष करके एग्जाम से 15 दिन पहले आपको मेगा नोट्स तो आपके सिलेबस के साथ पहले से ही चलते रहते हैं, तो ये कोई 15 दिन का काम नहीं है, इट्स ऑलरेडी है। 15 दिन पहले आप वहाँ पर मिनी नोट्स बनाते हैं और एक दिन पहले आप माइक्रो नोट्स बनाते हैं। ये नोट्स ऐसे हैं जो आपके जीवन भर काम आएंगे, कभी भी आपको दोबारा जरूरत पड़ती है, कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तब भी काम आएंगे। देन व्हाट यू हैव टू डू इन एग्जाम रूम्स, अब बात आती है जब हम एग्जाम रूम में जा रहे हैं तो अब हमें क्या ध्यान रखना है।
हमने एग्जाम से पहले की सारी प्रिपरेशन कर ली, और डेफिनेटली मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है और जितना मैंने बताया उतना अगर आपने फॉलो कर लिया, तो जिस समय आप एग्जाम में जाएंगे यू विल बी इन कॉन्फिडेंट, आपको अपने आप पे पूरा विश्वास होगा और कोई एग्जाम फोबिया आपके अंदर नहीं होगा। जिस समय हो सकता है एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपको डर लग रहा हो, एग्जाम फोबिया हो, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर लेंगे और जिस तरह मैंने कहा है वैसे कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई डर नहीं होगा और यू विल बी इन कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। तो जिस समय आप एग्जाम में जा रहे हैं उस समय आपको क्या करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इन एग्जाम रूम्स, देयर आर मोस्टली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें और अपने बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होता है और 5 क्वेश्चन होते हैं अटेम्प्ट करने, उसमें आपको ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, जिसके 2 पार्ट भी हो सकते हैं, सिंगल पार्ट भी हो सकता है। तो देयर आर मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये पेपर टू पेपर वेरी करता है, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता हो, तो वो अकॉर्डिंगली आप उसे मैनेज कर लेंगे, बट इन जनरल हम लेके चल रहे हैं मोस्टली आपके जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन 2 पार्ट होता है ए और बी में, तो एक पार्ट जो है 5 नंबर का होता है और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 10 मार्क्स के, तो 50 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। देन यू हैव 2 आवर्स 30 मिनट्स टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस ईच 10 मार्क्स। अब आपके पास 2 घंटे 30 मिनट का समय होता है बोर्ड में, बीटी के अंदर आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 2.5 घंटे के समय में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। देन यू विल गेट 30 मिनट्स टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चंस। इसका मतलब अगर आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का समय मिल रहा है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसका मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स का समय है। तो आपको इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर 30 मिनट्स में दे पाएं। फर्स्टली अब क्या है, फर्स्टली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन दैट यू नो एंड कैन गिव आंसर कॉन्फिडेंटली। अब सबसे पहले जनरली क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर में कुछ तो ऐसा करते हैं कि नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट नंबर 1 पर सोचेंगे, 2-4 लाइन लिखेंगे, फिर लगे यार ये नहीं आ रहा, फिर वो अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे, उसके लिए जगह छोड़ देंगे, देन अगला अटेम्प्ट करेंगे, कुछ 4 लाइन उसकी लिखेंगे, फिर कहेंगे ये भी नहीं आ रहा, फिर अगले पर बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्वेश्चन पर मिलते ही 5 मिनट्स आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, पूरे क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इन 5 क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 और 8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इन 8 क्वेश्चनों में से कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से जान आते हैं। तो सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये गलती ना करें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि हमें नंबर 1 से स्टार्ट करना है, पीछे से नहीं स्टार्ट कर सकते या नंबर 1 सीक्वेंस से चलना पसंद करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको जो क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है केवल आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसको आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज फर्स्टली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस दैट यू कैन you know and can give answer confidently. Focus on content according to make marks. अब दूसरा ध्यान ये है कि जब आपने देखा 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, तो सबसे पहले बाकी ये छोड़ने के लिए मैं 5 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे कुछ नहीं, आप 3 क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उन 3 को करना स्टार्ट कीजिए, उस पर से पहला स्टार्ट कीजिए जो आता है आपको अच्छे से। जब आपको ये डिसाइड हो गया कि अब मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन कंटेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। फिर आपको फोकस ये करना है कि मुझे इसमें क्या कंटेंट रखना है। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि जो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आता है उसमें इतना कंटेंट लिख देते हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती है या उतना पूछा ही नहीं गया है, क्योंकि मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप चाहे जितना लिख दीजिए, चाहे आपको आंसर 1 पेज में दीजिए चाहे उसका 4 पेज में दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स 10 ही है, आपको 10 नंबर ही मिलने हैं। तो डेफिनेटली कोशिश ये करें कि क्वेश्चन में जितना पूछा गया है केवल उतना जवाब, उसे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें कितना आंसर देना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना आंसर देना है, यू हैव टू डिसाइड इट, यू शुड हैव द आइडिया अबाउट इट, ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो उसी हिसाब से पूछी जाती हैं जो उतने टाइम में पूरी हो जाए। तो आपको अगर क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है तो 1 पार्ट में 15 मिनट्स देने हैं, अगर क्वेश्चन सिंगल पार्टेड है 10 मार्क्स का है तो आपको 30 मिनट्स देने हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव टू डिसाइड द कंटेंट, और कंटेंट में जो पूछा गया केवल वही डिसाइड करना है। अब यहाँ ये भी गलती मत करना कि आपने सोचा 30 मिनट लग रहे हैं, आपके 20 मिनट में आपने क्वेश्चन कर लिया, फिर आप देख रहे हैं यार और कुछ लिख लो अभी तो 10 मिनट है मेरे पास में। 30 मिनट्स इज अ मैक्सिमम टाइम विच यू गॉट फॉर दी सिंगल क्वेश्चंस। 30 मिनट्स आपके पास मैक्सिमम टाइम है, बट इफ़ यू आर एबल टू डू इट इन अ 15 और 20 मिनट्स इट इज़ मच बेटर।
ये आपके लिए और अच्छी बात है कि किसी दूसरे क्वेश्चन पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आप, समय सोचने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि 30 मिनट का टाइम है तो 20 में कर लिया तो 10 मिनट में और कुछ लिख दूँ इसमें, अभी टाइम है मेरे पास, तो ये गलती नहीं करनी। 30 मिनट्स है मैक्सिमम टाइम, तो फोकस ऑन कंटेंट, कंटेंट पे फोकस कीजिए। इट मस्ट बी कंटेन नीट एंड क्लीन डायग्राम इक्वेशन इफ नीडेड। अगर किसी क्वेश्चन में किसी डायग्राम को बनाने के लिए कहा गया है तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना। अक्सर बच्चे ये करते हैं, रफ सा डायग्राम बना देंगे, जल्दबाजी में उसे बना देंगे। डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। डायग्राम का भी मार्क्स होता है, और डायग्राम अवश्य बनाएं किसी भी क्वेश्चन में, आप डायग्राम अवश्य बनाएं अगर डायग्राम उसके अंदर है तो। नहीं भी कहा गया तब भी उसे थोड़ा सा बनाएं, ब्लॉक डायग्राम उनमें बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उससे आपके क्वेश्चन की जो स्मार्टनेस है वो आपकी निखर के आती है और मार्क्स मिलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर उसमें कोई इक्वेशन है, जनरली बच्चे क्या थ्योरी लिखते चले जाते हैं, ना डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना इक्वेशंस पे ध्यान देते हैं। अगर उसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस है तो आप उस इक्वेशंस को दें, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाएं, ठीक है। जैसे हमने कहा, आपसे पूछा है व्हाट इज़ दी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो बच्चे ने लिख तो दिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डेफिनेशन, लेकिन उसकी इक्वेशन नहीं लिखी। साथ में आप इक्वेशन भी लिख दीजिए कि दैट मॉड्यूलेटेड वेव इज एस टी इज इक्वल टू ए सी वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। अगर आप ये साथ में लिख देंगे और उसमें बता देंगे ए सी इज अ कैरियर एम्पलीट्यूड एंड के ए एम टी, के ए इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, तो अगर आप एक इक्वेशन लिखते हो तो एक इक्वेशन में से 4-5 लाइन और आप लिख पाएंगे उसको एक्सप्लेन करने में। तो जब उन्होंने आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूछा तो देर नॉट एकदम उसे कन्फाइंड नहीं किया उन्होंने कि आपको केवल उसकी डेफिनेशन ही देनी है। यू आर फ्री टू राइट एनी थिंग इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो भी आपको देना है वो आप उसमें लिख सकते हैं, जब तक उसने अगर उसको कन्फाइंड नहीं किया है। तो फोकस ऑन कंटेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो फिर उसको आपको फोकस करना है मार्क्स के अकॉर्डिंग, और ध्यान रखना है नीट एंड क्लीन डायग्राम जरूर बनाना है, इक्वेशन है तो इक्वेशन बनानी है, और डेरिवेशन का है तो डेरिवेशन देना है। अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन द लास्ट अबाउट विच यू हैव वेरी लेस आइडिया और नॉलेज। उन क्वेश्चन को आपको सबसे अंत में अटेम्प्ट करना है जिनकी नॉलेज आपको कम है, या जिन्हें आप जानते नहीं हैं, या जिनके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, उसको सबसे बाद में अटेम्प्ट करना है। और आपके पास समय हो तो उसमें फिर सोचिए और उसके बाद उसको कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।